आज मैं आपके लिए एकदम कुरकुरी मसालेदार और एकदम चटपटी पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसको बनाने में आपको किसी मैदा का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इसे आप एक महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस रेसिपी की शुरुआत। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और 1/2 कप मैंने सूजी ली है। सूजी मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप इसे एक मिक्सर जार में भी चला सकते हैं, तो ये बारीक हो जाएगी। अब मसालों में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा का यूज़ आप ज़रूर करें क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है और अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर भी आएगा अजवाइन का और ये डाइजेशन में भी अच्छी रहती है। 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ डाला है और ये सौंफ थोड़ी दरदरी कुटी हुई है, आप चाहें तो साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पत्ते लिए हैं और कड़ी पत्ते मैंने बिल्कुल बारीक कट करके लिए हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो पापड़ी है एकदम क्रिस्पी बनेगी। और कड़ी पत्तों को भी हम डाल देंगे। और फिर मैंने इसमें मोयन के लिए घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच मोयन लिया है और उसमें से भी थोड़ा सा मोयन घी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था मोयन घी, तो मैंने इसमें जो भी घी था पूरा डाल दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी या तेल का हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना है कि जब हम इसे आटे को बांध के देखें तो इस तरह बन जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। अब हम और घी का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको इतना ही यूज़ करना है कि जब आटे को बांध के देखें तो अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल आटा लगा लेंगे। जिस तरह हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरह हम इसका आटे की तरह डो लगा लेंगे। और पानी आप थोड़ा थोड़ा ही करके डालें और डो हमें बहुत ज़्यादा टाइट या फिर पूरी जितना टाइट आटा तो बिल्कुल नहीं लगाना है, तो और मीडियम टाइप का आटा लगाना है। और इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब रेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि आटा अच्छे से सेट हो गया है क्योंकि सूजी डाली थी तो अच्छे से फूल गई है। अब मैंने इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अगर आपके चिपक रहा है तो आप या तो आटा लगा लीजिए या फिर घी या तेल का यूज़ कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा साइड में से उठा के बताती हूँ कि मैंने इसे कितना पतला बेला है। तो जितना पतला हो सके आप इसे इतना पतला बेल लीजिए। और फिर हम 1 चम्मच लेंगे और फिर इस तरह इसमें छेद कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। और फिर मैंने इस छोटे साइज़ की कटोरी ली है और इससे इसमें गोल साइज़ का बना लेंगे। अगर आपके पास ये ऐसी कटोरी नहीं है तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन या कोई किसी भी टाइप का कटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर जितना भी हम इसमें से जितनी बन सकती हैं पापड़ी उतनी बना लेंगे और फिर एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे। और इस तरह से मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इस साइज़ की हमने सारी पापड़ी बना ली है। इसमें 1 कप में ही बहुत सारी पापड़ियाँ बन जाएगी और आप इसे महीनों तक भी स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और फिर आप इन्हें सुबह के नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ कभी भी सर्व कर सकते हैं। अब 1 कप में आप देख लीजिए कि मैंने कितनी सारी पापड़ियाँ बना ली है। तो चलिए करते हैं। अब इन्हें फ्राई करनी है तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है। आप चाहें तो तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पहले तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, लेकिन जब हम पापड़ी डालेंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही पापड़ी को पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान है कि गैस की फ्लेम हाई नहीं रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होगा कि पापड़ी वैसे ही पतली है तो ये ऊपर से जल्दी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी, तो फिर थोड़ी जली जली सी लगेंगी। तो हमें इस पर बिल्कुल लाइट कलर ही लाना है, तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें पलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह मैंने सारी पापड़ियाँ, अब इसे मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे सेकने में। इस तरह हम और पलटते हुए सारी पापड़ियाँ सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मुश्किल से 1 मिनट ही सेका है और ये अच्छे से इन पे कलर आ गया है। तो हम इन्हें जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा साइड में इस तरह निकाल लेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाए। और मैं आपको अगर पास से दिखाऊं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, लेकिन बहुत लाइट कलर में ही है और इसी में हम और पापड़ियाँ डालेंगे। मैंने दूसरा बैच भी डाला है और इसी तरह हम सेक लेंगे सारी पापड़ी। इन पापड़ी को सेकने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा और ये जल्दी से बन भी जाएंगी। तो अगर आप इनको बच्चों को या फिर किसी भी गेस्ट को देंगे तो आप सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारे मसाले डाले हैं तो ये खाने में भी अच्छी लगेगी। अब इन्हें सर्व करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, और मतलब तोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इन पापड़ी को ज़रूर बनाएं और आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको कैसी रेसिपी कैसी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में इसे शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।